माशाल्लाह ऐसा करने सो कितना खूबसूरत पॉइंट है। हाँ वाटरफॉल ने कोल पुजे हाँ तो वो थोड़ा जहा वाटरफॉल नजर आ गया बिच। के पिछले एक ब्लॉग बिच मैं इन्होंने डिफ्टी लाई सी, इन्हें आखिया कि इसकी रंग करना है। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जगह है। इस एरिया आखने वादी है डब, मतलब ये समान आजाद कश्मीर खूबसूरत गांव है। इतों तुम अच्छी चाय मिलसी, खाना मिलसी, और छोड़ गया वी आई पी तरह अस नॉर्मल रिहायशी कमरे भी मिल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करना सारे दोस्तों आप ठीक हो, सो तो खुशबास अल्लाह ने फजल करना शुरू करने अज ना ब्लॉग सो तक अपना फैमिली यूट्यूब चैनल कश्मीर पैराडाइज अज थोड़ी हिदमत एक नई उन्हें नजर आया। जैसा कि तुम पिछला ब्लॉग बना तक क्या उसी कि असं बाबा शाह शहीद ने विजिट कराया है, तो इस टाइम असं जंडी चौतरा मौजूद हाँ। इस साइड पर अगर कैमरा मैन दसन कि जंडी चौतरा बाजार है, तो अस इतना रुके हाँ। असं हूँ जा रहे अगर वादी असमानी साइड, तो रस्ते दसागे कि खूबसूरत पॉइंट है। सब तो पहले तो नीचे एक दरबार आएगी पीर पार बादशाह, उस तो बाद एक खूबसूरत पॉइंट है सिक्स मोड़ जिसने पर कश्मीर ने झंडा पे है, वो भी विजिट करांगे। उस तो अलावा मजीद अगर जल्द चलेंगे उत्थे दो वाटरफॉल हैं, वो भी तुम विजिट करांगे। एक होटल है जिते खाने पीने की चीज़ा वगैरह मिली, खूबसूरत विजिटिंग पॉइंट जोड़े ने तुम अब विजिट करा सा। बाकी चैनल पर जितने भैया नवे चैनल के सब्सक्राइब कर लो। तुम दसाया कि वादी समाज ने जितने भी खूबसूरत जगह वाटरफॉल या खूबसूरत पॉइंट उन्हें एक एक करके तुम विजिट करांगे। आज की वीडियो में सिक्स मोड़ पीरपाल बादशाह वाटरफॉल ना विजिट करांगे। चलने तो अपना सफर शुरू करने ऐसा करने से लिखा जंडी चौतरा बाजार। इस साइड पर बाजार है जितों असं गुजर गए हैं। इस साइड पर नीचे वादी है डब गाँव है एक समानी ना है, नीचे है रोड जाने भी है मेन रोड। असं इस पर चलने हैं, इस साइड पर एक कोई गुजरात तो टूरिस्ट वगैरह आए हैं घूमने फिरने वास्ते। इधर बाबा शाह शहीद गए सन, हूँ इधर विजिट कर रहे हैं अगर समानी ना। नीचे चलने हैं तुसा की एक एक चीज़ ना विजिट कराने। फिर जब थोड़ा जहा सफ़र करके आए हैं नीचे, तो इतने लगे है बोर्ड दरबार पीर पार बादशाह। अच्छा करने सो इस सर पर दरबार ना एक कमरा जहाँ बंथे इतने गला जहा लगे है, ठीक है। इस नाल ही है नीचे सड़क इस सर पर जा रही है पीर पार बादशाह साइड, तुसा की असं विजिट करने इतों तक सो इतना बोर्ड लगे है। जी रोड जानी भी है इस समान साइड जानी भी है, बाकी इतना सिटिंग की जगह भी है। इस सर पर एक कमरा जहा बंथे दरबार ना जिते दरबार ने मुलाजम वगैरह बहने तो गला वगैरह लगे है। बाकी इस साइड पर सकने सो नीचे भी एक बोर्ड लगे दरबार में, यह रोड जानी भी है पक्की रोड है जी नीचे जानी है। इधर तकरीबन उसी 10 मिनट का रस्ता इधर बुन जंगलों में नीचे वाली जगह पर दरबार है, ठीक है। जो दरबार ने विजिट करना चाहना दरबार पर विजास करना, तो बाकी हूँ अस चलने इस साइड पर अगर सिक्स मोड़ है उसने तुम विजिट कराने। फाइनली असं आ गए हैं जरा सिक्स पॉइंट समाइन अंदर एक खूबसूरत पॉइंट है जिसने पर लगे कश्मीर ना झंडा माशाल्लाह तकने सो। तो इतने असं इनवाइट किए साकब भाई की जिन्हें इस झंडे की रंग किया, तो उन्होंने भी मुलाकात कराने। सब तो पहले तको इस पॉइंट ना विजिट करो, माशाल्लाह ऐसा करने सो कितना खूबसूरत पॉइंट है। तो उस साइड पर बड़ा झंडा पे है, इस साइड पर कश्मीर ना निका झंडा पे है। बाकी माशाल्लाह बाबा शाह शहीद तू चंद कदमा नहीं मुसाफत पर आ सकने हैं, क्योंकि आधा किलोमीटर ने फासले पर सिक्स मोड़ है बाबा शाह शहीद तो निकल सोच लाए, ठीक है। बाकी इस पॉइंट ना विजिट करने का मकसद ये कि पहले बिल्कुल बुर्द होया सी, मतलब कोई हालत नहीं सी इसनी, तो इसकी दोबारा रिपेयर किया गया है। तो रिपेयर कुछ कराया साकब भाई, अस्सलाम वालेकुम। साकब भाई तो पिछले वीडियो वगैरह सो मेरी तकियां सन कि पिछले एक ब्लॉग में मैं इन्होंने डिफ्टी लाई सी, इन्हें आखिया सी कि इसकी रंग करना है, तो नाल उपर कश्मीना झंडा बना है, तो इन्होंने कम कर छोड़ा माशाल्लाह करने दसो। बाकी साकब भाई थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, मेहनत बाकी है समाज ने अंदर चर्चे हुए
ठीक है, हर बंदे टिकटॉक पर वीडियो लाई है, ठीक है। तो असली है कि कुछ दिन पहले इस रंग करने से पहले कुछ दिन पहले असा मेरी तो साकब भाई ने मुलाकात हुई, असा दवा सलाह की, इतना रुकियाँ तो प्रोग्राम मन था कि इसकी रंग कर सा तो कश्मीर चढ़ा पासा, तो वह कम किया माशाल्लाह समाज की खूबसूरती च इजाफा होया। बाकी अच्छा करने सो पुलियाँ वगैरह भी इन्हें रंग कराइया जीडिया नाल नाल सन, तो बहुत ही खूबसूरत लगा था ये पॉइंट। तो बहुत सारे बंदे इतने फोटो वीडियो बना चुके हैं, तो जेडे रहने अस उन्हें भी आखा आओ तो इतने जरूर वीडियो फोटो बनाओ। तो बाकी ये थोड़ा बहुत कम रहने वाले इतने एक इसने तख्ती वगैरह लानी है, इसने हिस्ट्री अस मालूम करने पे हाँ कि सिक्स मोड इस ना क्या रखा गया है, सिक्स क्या लिखा गया। तो हूँ तुम इस सिक्स मोड ना ड्रोन शॉट वगैरह दसने हैं, तो अगर ड्रोन शॉट तक हो तो फिर चलने नीचे वाली साइड कोई वाटरफॉल वगैरह उन्होंने विजिट कराने। हाँ जी वर्ज़ है कुछ सिक्स मोर ने ड्रोन शॉट वगैरह तक हूँ साकब भाई ना चलसा कोई वाटरफॉल ना विजिट कराने, इधर नीचे वाली साइड डब वैली साइड खूबसूरत पॉइंट है वो भी विजिट कराने, तो नाल अगर जो वाटरफॉल है उसे दसने। वीवर्स थोड़ा जहा सफर करने तो बाद सिक्स मोड क्रॉस किया है ड्रोन शॉट वाला सुंदर सेल इसे पर पहुंचे हैं, तकने सो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जगह है। इस एरिया आखने वादी है डब, मतलब ये समान आजाद कश्मीर खूबसूरत गांव है डब, ते माशाल्लाह भारत तकने सो कितने कितने खूबसूरत हैं, जिस तरह सब्जा नीलम तौली पीर गंगा चोटली साइड होना इस तरह इधर भी है समानी साइड भी है व्यू है, ठीक है। यह मेन रोड है, रोडा पक्या खूबसूरत रोडा, ठीक है। हाँ जी व्यूअर्स है वादी है डब है, तो हूँ अस इधर निचली साइड जा रहे हैं, अगे एक होटल है नाल ही उसने नज़दीक एक वाटरफॉल है, तुसें उसना विजिट भी करांगे वाटरफॉल ना। तो टाइम तो बहुत वेस्ट हो गया, शाम में टाइम होना पे, लेकिन फिर भी कोशिश करेगा तुसें कि उस वाटरफॉल विजिट कराने, तो नाले होटल विजिट कराने के होटल पर तुसें कि केड़ी केड़ी चीज़ मिल जाती। व्यूअर्स इतने रुके हैं गुलशन होटल, ठीक है, डब तकने सो लिखे गुलशन होटल, थोड़ा ज्यादा अगे आए हैं सिक्स मोड तू काफ़ी तो सफर कर गए, इस साइड पर तकने सो डैम्पर वगैरह खलते हैं, इतों तुम्हें अच्छी चाय मिलसी खाना मिलसी वो छोड़ गए वी आई पी तो ना आ सकने, लेकिन नॉर्मल रिहायशी कमरे भी मिल सकने तुम्हें, ठीक है। तो बाकी ऐसा करने सो बोर्ड पर लिखे भी है गुलशन होटल रिहायशी रिहायश के लिए कमरे भी दस्तियाब है, ठीक है। उपर से फोन नंबर भी नजर आना, वैसे जरा कोई बंदा रबता करना चाहना जो इतना आना चाहना वो रबता कर गया आस करना, जिस तरह का कमरा सी चाहिए वी आई पी चाहिए तो भी इन्होंने मालूमत ले लो, ठीक है। अगर नॉर्मल चाहिए तो भी, लेकिन अगर वी आई पी वाली गल कोई नहीं नॉर्मल कमरे ही मिलसी इस जगह पर, अगर बाजार वाली साइड तुम अच्छे कमरे मिल सन। बाकी अगर चलने एक वाटरफॉल है उसने विजिट कराने होटल पर जो जहाँ विजिट कराने काफ़ी टाइम बेचो सी क्योंकि शाम पै गई है तो वाटरफॉल भी क्लियर करना है। ऐसा करने सो एल जी रोड उपर जानी है, इस रोड पर उपर जाना पैसी करने सो इसे अपने समाइल साइड जा रही है ए रोड, तुम खजूरों ने बूटे छुटे नशानी तक लवो, ठीक है। नीचे एक इस तरह मकान है इस रोड पर, पहले थोड़ा जहा पक्का टोटा आएगा उस तो बाद कच्ची रोड है, तो बेहतर ही है पैदल हाइकिंग करो या बाइक पर हो तो ईजीली जा सकने। गड्डी असें इतना पार्क की है क्योंकि रोड है खराब इस वाटरफॉल साइड, तो पैदल दसा जो बाइक होने तो बाइक अगे जा। बाकी ये दसो साकब भाई कितना टाइम लगसी? पाँच मिनट, चलो ठीक है चलने इस वाटरफॉल ना विजिट करने। इस वाटरफॉल ना कह वै शेर कसी वाटरफॉल, ठीक हो गया। बाकी माशाल्लाह व्यूअर्स चेक करने सो ये डब वैली है ऊंचे ऊंचे पहाड़ तकने सो माशाल्लाह, इन्हें पहाड़ों पर भी इंशाल्लाह एक दिन जाएंगे व्लॉग बनाएंगे तो फिर तुम्हें दसागे। बाकी असर सफर शुरू है वाटरफॉल साइड, तो चेक करने सो माशाल्लाह इर्द गिर्द काफ़ी खूबसूरती है। रोड थोड़ी जी मर्जी है क्योंकि लिंक रोड है, बड़ी खूबसूरती है। वाटरफॉल ने कोल पुजाए हैं,
ते ओ थोड़ा जहा वाटरफॉल नज़र आ गया बिच, तो जूम करने ऐसा करने उसको ठीक है। लेकिन है कि गर्मी बहुत है, थोड़ा जहा क्लोज चलने उत्थे, क्लोज चला ड्रोन डालने ड्रोन शॉट दिखने माशाल्लाह इन्हें पहाड़ों उपरों वाटरफॉल आना पे, तो इन्हें उसको कितनी खूबसूरती है। बाकी तुम अगे चले विजिट कराने, नज़दीक चलने वाटरफॉल ने तो तुम वाटरफॉल ना विजिट कराने इस पर चेक करने सो। बड़े बड़े पत्थर की क्रॉस करके तुम जाना पैसे इस वाटरफॉल वाली साइड ऐसा करने सो। पानी तक सो माशाल्लाह कितना साफ पानी है ठीक है। तुसा कि इस तरह ने छोटे छोटे वाटर काफ़ी तादाद लभसन ऐसा करने सो। बाकी ऐसा करने सो रास्ता थोड़ा जहा क्लोज है, खतरनाक भी है ठीक है। ऐसी चेक करने सो माशाल्लाह। बाकी बिल्कुल असं वाटरफॉल नीचे पुजे हैं, इस पर सब चढ़े है ते इत्थे हुण ड्रोन शॉट बनाएंगे फिर तुसां गी वाटरफॉल नहीं खूबसूरती पता लगसी। बाकी अगर जो छोटे छोटे वाटरफॉल हैं इस तरह ने चेक कर सो, चेक करो हाँ जी व्यूअर्स फाइनली असं आ गए वाटरफॉल को माशाल्लाह चेक करने सो। पहाड़ों ने दम नीचे वाटरफॉल है, सही बुलंदी परू वाटरफॉल आना पे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ उन्होंने दरम्यान पानी निकल के आना पे, चश्मे आना पानी है जो पहाड़ों ने अंदर चश्मे उन्हें कुदरती पानी निकलना उतु आना पे ठीक है। हाँ जी व्यूअर्स तुम इस वाटरफॉल ने विजिट किया है डाबड़े नज़दीक शेर कस्सी वाटरफॉल का नाम है ठीक है। चेक करने दसो माशाल्लाह कितना खूबसूरत वाटरफॉल है, बैक कैमरा भी चेक कराने माशाल्लाह। असं जो ड्रोन डाल रहा है ड्रोन भी तक कि एक किस तरह स्टैप उपर भी है, इस तरह एक वाटरफॉल उपर भी है, लेकिन उसका रस्ता मेरे ख्याल उस साइड पर जाना है तो वो इंशाल्लाह नैक्सट साकब भाई डिफ्ट लाइए कि रस्ते ने मालूम करे पास रस्ता है फिर उस विजिट करवाएंगे। माशाल्लाह दो वाटरफॉल गठे ही तो इसमें तुम्हें विजिट कराया, पानी तक सो बहुत ज़्यादा साफ पानी है, इतना सुना भी सकने क्योंकि डूंगा वगैरह भी कोई आखा के गहराई होवे बंदे ने डुबने को खतरा होवे इस तरह की गल भी कोई बिल्कुल उतला जाए ठीक है। इतना कोई खतरे की गल कोई माशाल्लाह इतना खलते हैं, ठंडी ठंडी हवा आनी भी है, ठंडा ठंडा पानी नहीं जो आनी है पानी थोड़ा थोड़ा आना माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सनेरी है ठीक है। ड्रोन शॉट तक बाकी चलने मजीद अगे तो इंशाल्लाह नैक्सट अगे जो वाटरफॉल सीधा स्थान है और नैक्सट ब्लॉग भी दसा उस वाटरफॉल मतलब वादी समाई ने सब तो बड़ा वाटरफॉल है इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में उस वाटरफॉल में विजिट करांगे। तो साकब भाई हाँ जी कल जो व्लॉग है सना हाँ जी खिजनगर वाटरफॉल जो है वो कहने समाने साहब चमीन सब तो बड़ा वाटरफॉल है, सब तो बड़ा वाटरफॉल वो है ऊंचाई ने लिहाज नाल तो कल उस वाटरफॉल में विजिट करना है उसने मतलब व्लॉग अलग बना सा और कोई चीज़ उसने नहीं दसनी, उसने रस्ता वगैरह भी दसागे साकब भाई डिफ्टी लाँगे कि जो भी कोई भैन भरा विजिट कर आवन तो उन्होंने रस्ता दसनगे इजीली असा सारा रस्ता दसागे। लेकिन है कि घर आने बिचे भी रस्ता जाना है थोड़ा जहा वाटरफॉल
इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं क्योंकि घरों के रस्ता जाना आउट रस्ता कोई नहीं उत्थे भी रस्ता बनवाना सी वजह यह आ गई कि बरसाती मौसम है तो रस्ता खोलना कोई ठीक है बाकी मजीद अगर चलने गपशप होनी हाँ जी व्यूअर्स माशाल्लाह तुम वाटरफॉल ने विजिट कराया अच्छा करने सो कितनी खूबसूरती है हर तरफ सब्जा ठीक है तो यह जो पहाड़ इन्होंने दरमियान में वाटरफॉल आना पे वो उत्थे बिच वाटरफॉल है जितों असं मैं विजिट करके आए हैं बाकी है छोटा जहा बरसाती नाला जाना पे जिथे असं वाटरफॉल तक है उस जगह तुम विजिट करा उठी है माशाल्लाह बाकी अजकल इस मौसम में पानी बहुत साफ होना है तो बारिश हुई होवे तो फिर पानी गंदा होना वैसे ओवरऑल पानी साफ होना है बाकी अच्छा करने से माशाल्लाह ओ ऊपर वाटरफॉल से नजर आना पे बाकी चलने हैं मजीद अगे व्यूअर्स ऐसा करने सो विजिट करके आए हैं बाइक इतने तक आस करने ठीक है क्योंकि ऊपर है रोड जाने पे कच्ची जी बाइक आस करने या बड़ी गड्डी कोई व्हीकल डाले खिला सकने कारा वगैरह आना मुश्किल है क्योंकि थले लगनियां तो ऐसा करने सो इतना वगैरह खिला भी सकने व्हीकल शीकल कोई बड़ी गड्डी होगा इसने विजिट कर सकने लेकिन त्रै महीने अगस्त सितंबर तक अक्तूबर उसके अलावा ये वाटरफॉल बंद होना है ये नाल से लाजमी बाना इस वास्ते हाँ कि कुछ और महीने तो बाद आखो कि वाटरफॉल कौन चलना पाया बाकी तक झाड़ वगैरह कितने खूबसूरत लगने बाकी व्यूअर्स अज नहीं वीडियो इतनी है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती तुम्हें दसा कि इस तू बाद अगर आपसी डब जरा डब बाजार तो उस तू बाद संधेड़ी संधोवा बाजार जरा तुम कल नहीं वीडियो नैक्सट वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे लाजमी बनाएंगे कि आज शाम है कल नैक्सट जल आवेंगे उस जरा वाटरफॉल दसागे वो समझना खूबसूरत वाटरफॉल है सब तो बड़ा वाटरफॉल तो बाकी सारे दोस्तों ने गए विजिट कर वापस आ गए हैं उम्मीद करने आज नहीं वीडियो से पसंद आई उसी जब तुम वीडियो पसंद आई है चैनल की सब्सक्राइब करे बैल ने बटन के लाजमी प्रेस करा करो क्योंकि नवी तो नवी वीडियो जी तुम तक पुज नहीं रहे इंशाल्लाह समाज आजाद कश्मीर अंदर जो कोई बंदा टूरिस्ट आता है उसकी जड़ी जड़ी चीज़ तकनी हो सी असानी वीडियो पर उसकी मिल जा सी समाज आजाद कश्मीर किसी तरह की वीडियो तकना चाहते हो समाज आजाद कश्मीर वाटरफॉल सर्च करो कि समाज आजाद कश्मीर अंदर वाटरफॉल सारे वाटरफॉल की लिस्ट तुम्हारे सामने शो हो जा सी तो जो जो वाटरफॉल तकोगे उस वाटरफॉल पर तुम विजिट कर सकने वाले गए इन्ना महीनों जो आए तुम बया गए अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक तुम आओ इधर खूबसूरत है खूबसूरती है सब्जा है वाटरफॉल वगैरह चलने पे ते अच्छा मौसम है हूँ ठीक है तो गर्मी इतनी कौन जितनी होनी चाहिए वैसे जितनी पंजाब वाल गर्मी है उतनी गर्मी इधर कौन बाकी अत सो हर तरफ सब्जा है ठीक है बाकी अच्छा करना सो खजूर के बूटे वगैरह जंगल च ऊंचे ऊंचे पहाड़न हर तरफ इस तरह सर सब्जा है बाकी अपना पूछा ख्याल रखे असें दुआ भी याद रखे इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलसा अच्छी वीडियो अल्लाह सुनने।